क्या लग रहा है इस बार असदुद्दीन ओवैसी जी यूपी में ताल ठोक रहे हैं? प्रभाव तो पड़ेगा क्योंकि वो बीजेपी के चमचा हैं। हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि भाजपा का सफाया हो। सबसे अच्छी पूरे हिंदुस्तान में सरकार को स्टेट की चला रही तो वो है अरविंद केजरीवाल। योगी जी आए तो अच्छा है। चाचा जी 2022 का चुनाव आ रहा है, आपको क्या लग रहा है किसका माहौल है? बीजेपी का। योगी जी 75 साल में जो नहीं हुआ वो बीजेपी कर रही है। 75 जब से देश आज़ाद हुआ है ऐसी निकम्मी सरकार कभी नहीं आई। बिजली का दाम बढ़ गया है, एयरपोर्ट बेच लिए हैं, रेलवे बेचने वाले हैं। ये है हिंदुस्तान की जमीर और ये हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है जहाँ हिंदू मुसलमान कहीं आरती कहीं अजान करते हैं। केजरीवाल के सारे कुछ वहाँ की जितनी भी पब्लिक हैं सब संतुष्ट हैं सरकार से। सरकार काम है अपने पब्लिक को संतुष्ट करे। तो वही तो राजनीति है। राजनीति वही है कि हम जिसका ये कर रहे हैं उसके खिलाफ ही बयान देंगे। सरकार सही चल रही वही चलती रहेगी। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की फिर चलेगी। प्रजातंत्र यहाँ ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ हिटलर तानाशाही है। महंगाई कोई भी सरकार आएगी कम नहीं कर पाएगी इससे। भाई जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से मजदूरी भी बढ़ेगी। सुल्तानपुर में सियासी हवाएं चलने लगी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार कई ऐसे नेता हैं जो पहली बार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं और इन नेताओं की नजरें सुल्तानपुर पर टिकी हुई हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है। लेकिन सुल्तानपुर की जनता ओवैसी के बारे में क्या सोचती है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे संवाददाता आलोक दुबे जयसिंहपुर पहुंचे। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के विकासखंड जयसिंहपुर में और जहां मैं मौजूद हूं ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है और आप जानते ही हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और ऐसे में AIMIM के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी जी इस बार जो है अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं और उम्मीद है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मैं ये जानने के लिए आज मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में आया हूँ कि उनके आने से किसको नुकसान होने वाला है और कई बार उनके ऊपर ऐसा तंज कसा जाता है कि क्या वो भाजपा की बी टीम है, तो यह भी हम यहाँ के लोगों से जानेंगे और उनके आने से कितना नुकसान होने वाला है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में आकर हम यह जानने का प्रयास करेंगे। चाचा जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है शेर अली खान। चाचा जी 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार असदुद्दीन ओवैसी जी यूपी में ताल ठोक रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको उससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए प्रभाव तो पड़ेगा क्योंकि वो बीजेपी के चमचा हैं। असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल असदुद्दीन बीजेपी के चमचा हैं। चमचा समझते हैं उनको, वो एजेंट हैं, समझे? इसलिए थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार फिर बनेगी? सरकार तो ऐसे सरकार बननी चाहिए हमारे हिसाब से। हम आपके हिसाब से सपा की क्यों योगी जी की क्यों नहीं? योगी जी 75 साल में जो नहीं हुआ वो बीजेपी कर रही है। 75 जब से देश आज़ाद हुआ ऐसी निकम्मी सरकार कभी नहीं आई, समझे? अच्छा क्यों ऐसा क्यों लग रहा कि जो असदुद्दीन ओवैसी जी हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, ऐसा क्यों लग रहा आपको? हैं क्यों लग रहा है ऐसा? वो तो हमेशा जो है सुनिए उनके खिलाफ ही बयान देते रहते हैं। तो वही तो राजनीति है। राजनीति वही है कि हम जिसका ये कर रहे हैं उसके खिलाफ ही बयान देंगे। बोलने का अधिकार तो सबको है, तो लोकतांत्रिक देश है लेकिन अब नहीं है। हाँ लोकतांत्रिक देश था। आप तो बोल रहे हैं भरपूर बोल रहे हैं तो है? आप तो भरपूर बोल रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है? रोक नहीं रहा लेकिन अब वो नहीं है। लोकतांत्रिक देश नहीं है यहाँ। प्रजातंत्र यहाँ ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ हिटलर तानाशाही है। क्यों ऐसा लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है, जब से बीजेपी आई है तब से ही तानाशाही है। चाचा जी 2022 का चुनाव आ रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार जो है असदुद्दीन ओवैसी जी AIM के पार्टी के जो प्रमुख हैं वो भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए और करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा?
हमारे समय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल में ऐसा है कि काफ़ी लोग, हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि भाजपा का सफाया हो, क्योंकि लोग इनसे तंग आ गए हैं और बिजली का दाम बढ़ गया है, एयरपोर्ट बेच लिए हैं, रेलवे बेचने वाले हैं, बैंक भी बेचने वाले हैं। अभी कुशीनगर में कल तो एयरपोर्ट इन्होंने बनवाया है, उसका उद्घाटन किया। हाँ तो ठीक है, कुछ बनवा रहे हैं, कुछ बिगाड़ रहे हैं, 12 आना बिगाड़ रहे हैं तो 4 आना बना रहे हैं। हाँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो क्या लग रहा है आपको, असदुद्दीन ओवैसी जी के आने से जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा? असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग उनको कहते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, आप क्या सोचते? वो तो बिल्कुल सही है, सच कह रहे हैं वो। क्यों, आपको क्यों लगता है? यही है, यही सही है। क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है? असल में जहाँ मुसलमान हैं वो बढ़ जाते हैं, इसलिए भाजपा निकल जाती है। क्या कर रहे हैं, बल्टी उल्टी लेकर जा रहे हैं? हाँ, थोड़ा सफाई करना है। अच्छा, दिवाली आ रही है। अच्छा, दिवाली, बहुत बढ़िया, दिवाली तैयारी। ये देखिए, ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान की जमीर, और ये हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है, जहाँ हिंदू मुसलमान कहीं आरती कहीं अजान करते हैं। तो चाचा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या लग रहा है आपको इस बार 2022 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी जी ताल ठोक रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का अपना अधिकार है, ताल ठोक रहे हैं, इससे क्या होता है, हमें अपनी अच्छाई के लिए वोट करना है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आपके लिए अच्छा करेगा? सबसे अच्छी पूरे हिंदुस्तान में सरकार कोई स्टेट की चला रही तो वह है अरविंद केजरीवाल। आप अरविंद केजरीवाल के फैन? जी। क्यों, ऐसा क्या लग रहा है? उनका हर काम अच्छा है, वो सब जितने भी काम करते हैं वो पब्लिक के हित के लिए करते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल सबसे अच्छी पार्टी। अच्छा, योगी जी भी तो कर रहे हैं, अभी कुशीनगर में देखिए एयरपोर्ट बन गया, इसके बाद किसानों को पैसा दे रहे हैं, गैस सिलेंडर महिलाओं को दिए, तमाम काम कर, राशन भी दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, वो जनहित में नहीं कर रहे हैं? नहीं, उनका कोई भी काम अच्छा नहीं लग रहा। एक दो काम आप केजरीवाल जी का बताइए जो आपको अच्छा लग रहा है। केजरीवाल के सारे कुछ, वहाँ की जितनी भी पब्लिक हैं सब संतुष्ट हैं सरकार से, सरकार काम है अपने पब्लिक को संतुष्ट करे, अगर पब्लिक संतुष्ट नहीं है तो प्रजातंत्र है, बदल लीजिए। अच्छा, एक सवाल आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा? जैसे वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया में ही उनका सोच रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, तो आपको क्या लग रहा है? ऐसा है, सोच सबकी अपनी पॉजिटिव ही होती है, लेकिन अच्छे लोग, अच्छा प्रजातंत्र के प्रहरी जो हैं वो ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे कि जिससे भविष्य में कोई परेशानी हो। तो आपको लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो आपके भविष्य के ऊपर खतरा मंडराने लगेगा? एकदम एकदम, वो कोई अच्छा। क्या नाम है आपका? मुनव्वर खान। मुनव्वर जी, मुनव्वर राणा भारत के बहुत बड़े शायर हैं, पता है आपको कोई शायरी और याद है उनकी? नहीं, शायरी तो नहीं याद है, लेकिन पता है। क्या बताइए, मुनव्वर राणा के बारे में पता है? नाम सुना हूँ और क्या पता है। अच्छा, ये बताओ क्या कर रहे हैं आप इस समय? पेंटिंग, पेंटिंग कर रहे हैं। अच्छा, इधर मस्जिद की पेंटिंग कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? अभी इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। क्यों? हाँ, क्यों? अच्छा, योगी जी का जो 2000 रुपया है मिलता है, किसान है? हाँ, मिलता है। मिलता है, तब तो योगी जी से खुश होंगे आप? हाँ, खुश होंगे। तो सरकार किसकी आ रही 2022? वैसे तो योगी जी आए तो अच्छा है। फिर? हाँ, क्यों? हाँ, क्यों? उनके शासन में दंगा नहीं। दंगा नहीं? हाँ। लखीमपुर खीरी में? हाँ, लखीमपुर खीरी में अभी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी वहाँ तो हो गया, और सरकार उनके औसतन से इतना उतना दंगा। आपको सही लग रहा है उतना दंगा? अच्छा, महंगाई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम, इन सब क्या लग रहा है, दंगा से काम चल जाएगा? मान लीजिए दंगा कंट्रोल हो, अच्छी बात है, महंगाई को क्या लग रहा है? महंगाई कोई भी सरकार आएगी कम नहीं कर पाएगी, इससे महंगाई बढ़ती रहेगी। महंगाई बढ़ती रहेगी तो जेब की आमदनी इसमें, हाँ, जेब की आमदनी बढ़ेगी भाई, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से मजदूरी भी बढ़ेगी। बढ़ी आपकी? जरूर बढ़ाएंगे, उम्मीद है अभी। हाँ, 5 साल बीत गया लेकिन बढ़ी नहीं। नहीं, बढ़ी। अच्छा, बढ़ी है। हाँ, मजदूरी वाला पैसा नहीं मिल रहा है। मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा है? कौन सी मजदूरी का? ये जो ऊँटों वाला कॉलोनी का, कॉलोनी के बन गई कॉलोनी, कॉलोनी बन गई, छत कल लग गए। हाँ, तो थोड़ा इंतजार कर लो, आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, प्रधान जी से संपर्क कर लेना, नहीं आएगी तो फिर संपर्क करना। कल में एक युवा मौजूद है, इनसे भी बात कर। क्यों भैया? हाँ भाई। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी,
राहुल आप यहीं के हैं, भूमा पार्क लखीमपुर खीरी के? अच्छा, लखीम यहाँ क्या कर बिजनेस करते फेरी? यार लखीमपुर खीरी में अभी एक दंगा हो गया था बहुत बड़ा। क्या मामला था? आप वहाँ से कितनी दूरी पर आपका घर है जहाँ दंगा? वहाँ से हमारा घर कम से कम 40 किलोमीटर दूरी है। 40 किलोमीटर तो क्या मामला था, कुछ तो पता लगा होगा उस समय वहाँ थे? किसान खातर हुआ था झगड़ा। अच्छा, लखीमपुर में थे आप? जी नहीं, वहाँ नहीं थे, हम तो यहीं थे। क्या मामला था, कुछ फोन वोन पे पता लगा होगा? मामला ऐसा कुछ किसान के बारे में हुआ था झगड़ा, ये तो हम नहीं जानते, अभी यहीं हम लोग थे। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम लोग सोफा पा कवर चादर अदर बेचते हैं। अच्छा, तो यहाँ आप बेचने के लिए आए? जी। कमाई हो जाती? कमाई कहाँ हो जाती, लॉकडाउन जैसे सब वैसे मारे मारे घूम रहे हैं, क्या करें, मजबूरी थी, कोरोना था। हाँ मजबूरी था, कोरोना था। अभी आमदनी कुछ हो पा रही कि नहीं? कुछ ही नहीं, अब घूम आए हैं, अब निकले हैं गांव से, अब देखो आए हैं, अब देखो आमदनी होता कि नहीं होता। क्या लग रहा तुमको, योगी जी मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं सब कुछ, जो है राम राज आ रहा है? अब हमारे हिसाब से सही, सबके जो जनता बोलेगी वही हम भी बोलेंगे। कोई चाचा जी तो अभी देखिए बहुत भड़के, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा हो रहा है, निकल जो हो रहा है तो सही। आपको क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि हमारे लोगों का बिजनेस बड़ा डाउन हो गया लॉकडाउन की वजह से, मतलब धंधा कम हो गया है? हाँ, मतलब धंधा मद्दा हो गया है जब से लॉकडाउन लगा है। क्या लग रहा है इस बार जो है 2022 में किसकी सरकार आ रही है? अब 2022 में जिसको चुना जाएगा उसको देखा जाएगा। आप किसको चुन रहे हैं? आप नहीं, आप किसको चुन रहे हैं? मन से नहीं कह सकते हम। नहीं, आप किसको चुन रहे हैं? हम क्या जाने, जो जनता जानेगी तो हम भी राजी हैं। हम नहीं कह सकते। चाचा जी 2022 का चुनाव आ रहा है, आपको क्या लग रहा है किसका माहौल है? बीजेपी का। बीजेपी का माहौल? हाँ। अच्छा ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा उनके आने? बहुत थोड़ा सा। क्या किसको नुकसान कर सकते हैं, सपा भाजपा कांग्रेस, किसको नुकसान? सपा कांग्रेस को, सपा और कांग्रेस को। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जी भाजपा की बी टीम है, आपको लगता है? हाँ सही बात है। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है जब उनके वोट काटेंगे वो सपा कांग्रेस का या बसपा का तो इस पर फर्क पड़ेगा। तो आप तो बीजेपी की सरकार बनाना चाह रहे तो आप? फिर मैं कह रहा हूँ सरकार बीजेपी की बनेगी, तभी मैं कह रहा हूँ। उस समय आप नाराजगी में कह रहे हैं? नहीं, 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 सही कह रहा हूँ, सरकार सही चल रही हुई चलती रहेगी, डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की फिर चलेगी। अच्छा, फिर उम्मीद है आप? हाँ बिल्कुल, 100% उम्मीद है, डबल इंजन की सरकार रहेगी यहाँ पे। तो आपको लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जी, लेकिन वो तो हमेशा जो है भाजपा के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, क्या होता है ये? कुछ नहीं तो पॉलिटिक्स चलता रहता है, पॉलिटिक्स जिसको जो गाली देता है ना वही उसका दोस्त होता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक से साइकिल फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।